आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रमाप विचलन का जो विचार है उसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था। ये अपक्रम को मापने की सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक रीति है। प्रमाप विचलन की गणना केवल समांतर माध्य के प्रयोग से ही की जाती है। किसी समग्र समूह का प्रमाप विचलन निकालने हेतु उस समूह के समांतर माध्य से विभिन्न पद मूल्यों के विचलन ज्ञात कर लिए जाते हैं और माध्य विचलन की तरह विचलन लेते समय बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता है। इन विचलनों के वर्ग ज्ञात कर लिए जाते हैं और जो वर्ग प्राप्त होते हैं उनके योग में कुल मदों की संख्या का भाग देकर वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो अंक प्राप्त होता है उसे हम प्रमाप विचलन कहते हैं। प्रमाप विचलन में माध्य विचलन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रमाप विचलन की परिगणना में समस्त विचलन गणितीय क्रिया से अपने आप ही धनात्मक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रमाप विचलन का गुणांक यानी कि कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए प्रमाप विचलन का सापेक्ष माप यानी कि रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात किया जाता है और जिसे प्रमाप विचलन गुणांक कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। प्रमाप विचलन निकाला किस तरह से जाता है सूत्र के रूप में अगर देखें हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के और उसको अगर अर्थमेटिक मीन से डिवाइड कर देंगे तो वो कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रमाप विचलन की गणना यानी कि कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी। प्रमाप विचलन ज्ञात करने के दो मेथड हैं, पहला प्रत्यक्ष रीति और दूसरा अप्रत्यक्ष रीति। तो आज इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष रीति के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष रीति में यदि समांतर माध्य पूर्णांक में प्राप्त होता है यानी कि होल नंबर में अगर है तो ही प्रत्यक्ष रीति को के द्वारा गणना करना सरल रहता है। समांतर माध्य के पूर्णांक में न होने पे लघु रीति का प्रयोग करना ज्यादा सरल होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है प्रमाप विचलन निकालने की। सबसे पहला है प्रत्यक्ष रीति के हिसाब से, सबसे पहले श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। समांतर माध्य जो है वो पहले ही बताए हुए नियमों और सूत्रों के आधार पर प्रत्यक्ष या लघु रीति से जैसे भी है अर्थमेटिक मीन निकाल लिया जाता है। सबसे पहले तो पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलन यानी कि डी निकाल लेंगे और डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस एक्स बार। तो इस तरह से विचलन निकाल लेंगे। और तीसरा प्रोसेस ये है कि व्यक्तिगत श्रेणी में पदों के विचलन का वर्ग डी स्क्वायर करके उसका टोटल कर लेंगे, इसके बाद डी का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका टोटल कर लेंगे तो वो सिग्मा डी स्क्वायर कहलाएगा। फिर इसके बाद विचलन वर्गों का जो योग है सिग्मा डी स्क्वायर जो है उसको पदों की संख्या से भाग दे देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे और फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और इस तरह से जो आएगा वो ही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस चिन्ह के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर सूत्र क्या हुआ इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाप विचलन एस डी डायरेक्ट मेथड से अगर देखेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें डायरेक्ट मेथड से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन आपको बता रखा है टू टू फाइव, ये आपको संख्याएं बता रखी है प्राइस के रूप में। ये आपको संख्याएं प्राइस के रूप में दे रखी है
अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रमाप विचलन और उसका गुणांक निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। अब ये कौन सी श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं इजीली, इसका एवरेज करके यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन एन करके। तो सिग्मा एक्स यानी कि इन सबका जो टोटल है उसको अगर एन से, एन क्या है यहाँ पे, जितनी संख्याएं ये हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं, नौ। तो एक मिनट, एक संख्या और यहां 235, ठीक है। तो टोटल एन कितना है यहाँ पे, 10। और इन सबका अगर टोटल करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा हमारा 2390, 2390। तो अर्थमेटिक में निकल के आ जाएगा 2390 डिवाइडेड बाय 10, तो 239, अर्थमेटिक में 239। अब अर्थमेटिक मीन से इनके डिविजन ले लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार करके, तो ये हो जाएगा -29, ठीक है। इस तरह से कर लो -19। इसमें से अर्थमेटिक मीन को लेस करते हुए ये हो जाएगा -14, -14, -14, फिर 235 वाले का आ जाएगा -4, चलिए +1, +11, +31 और +290 में से अगर माइनस करेंगे तो 51। तो ये सारी, ये क्या आया, डी। अब ये जो डी है इनका हम स्क्वायर करेंगे, ये है डी, अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर करने के लिए इसको सबका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 29 को 29 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 14 को 14 से किया तो वो 196, थर्टी वन को 31 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर का टोटल कर लेंगे वो आ जाएगा 5490। ये तो क्योंकि अर्थमेटिक मीन से लिया है तो इसका टोटल तो जीरो है। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें इन वैल्यूज को रख देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आ जाएगा 5490 डिवाइडेड बाय 10, तो 549 का अंडर रूट कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे और ये आएगा 23.43। और इसका अगर कॉफिशियंट निकालना है, कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, अर्थमेटिक मीन से 239 से। तो कॉफिशियंट निकल के आ जाएगा आपका 23.43 डिवाइडेड बाय 239, तो ये आ जाएगा 0.10। तो ये कोफिशिएंट आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 23.23। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन हम आसानी से निकाल सकते हैं।